बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और आज की वीडियो में हम लोग आए हैं वेस्ट बॉय कैनाल रोड बिरयानी खाने। अगर बिरयानी की बात की जाए तो यहाँ की बिरयानी बेस्ट एंड चीपेस्ट है, यानी कि बहुत कम प्राइस में 50 रुपीज़ में आप बिरयानी और जो ओरिजिनल जायका है वो आप ले सकते हो। तो अगर लोकेशन की बात करें तो फिलहाल हम लोग अभी हैं राजा पुल के पास। राजा पुल से आप जब बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड साइड जब बढ़ते हो उस साइड आपको आना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे KFC राजा पुल के पास हैं हम लोग फिलहाल। भैया जो आप लोगों का रेट है मार्केट से और जगह से कम है तो उसका क्या रीज़न है? देखिए मार्केट के अपेक्षा रीज़न कम तो नहीं है, ये नहीं कह सकते कम है। और सभी जगह प्लेट के हिसाब से मिलता है, ठीक है। मेरे यहाँ केजी के हिसाब से मिलता है। इनका ऑनर उत्कर्ष रंजन है, ठीक है, ठीक है। इनका नाम उत्कर्ष रंजन हुआ, वो सभी कलकत्ता खाने गए होंगे बिरयानी, ठीक है। मेरे यहाँ जो भी है सब चीज़ कलकत्ता वाली है, ठीक ना। हर चीज़ कलकत्ता जो बनता है, आज भी कारीगर भी है वहाँ कलकत्ता का ही है मेरे यहाँ, ठीक है। जब भैया खाने गए थे कलकत्ता में तो उनको अच्छा लगा होगा, इसीलिए वो पटना में खोलना चाहे, ठीक है। तो कलकत्ता में केजी के हिसाब से मिलता है, कहीं भी खाइए केजी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जो रेट है उस हिसाब से वहाँ का मतलब बनाने वाला कारीगर है वो रेट उन्हीं से पूछा गया कि कैसे रखें क्या रखें, ये सोच कर यहाँ पर केजी के हिसाब से 180 रुपये केजी मिलता है बिरयानी, ठीक है। हाफ केजी 90 रुपये है, जो एक केजी के हिसाब से 8 पीस चिकन रहेगा। सभी जगह 8 पीस नहीं रहता है, 2 पीस रहेगा, कहीं 1 पीस भी देता, कहीं 4 पीस भी देता प्लेट के हिसाब से। लेकिन मेरे यहाँ केजी के हिसाब से 8 पीस, 1 केजी में 8 पीस चिकन रहता है, आधा केजी में 4 पीस चिकन रहता है और 250 ग्राम में 2 पीस चिकन रहता है, ठीक है। तो यही हिसाब से अभी यहाँ पर खुला और मार्केट ऐसा नहीं है, जब से खुला जब से जम भी गया, कस्टमर भी आने लगा और भीड़ भड़का भी कस्टमर का रहता है। और बिरयानी के अलावा और क्या क्या आपके पास? बिरयानी के अलावा मेरे पास रोल है, रोल का, वो भी है कलकत्ता, जो कलकत्ता जो बनता है कलकत्ता में इसी तरह से यहाँ भी बनता है बिहार में। जहाँ पर बंद खोले हैं दुकान वहाँ बोरिंग रोड कैनाल रोड है। कलकत्ता के रोल में और यहाँ के रोल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है वहाँ, यहाँ का डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको सब चीज़ आइटम मिक्स मिलता है, जैसे बंदा गोभी हो गया, फर्सबीन हो गया, फर्सबीन कह रहे हैं ये क्या बोलते हैं शिमला मिर्च हो गया, ये सब मिला कर मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ ओनली प्याज का मिलता है, ओनली प्याज का मिलता है मेरे यहाँ। बिरयानी में क्या अंतर है कलकत्ता बिरयानी और यहाँ बिहार का? देखिए बिहार का बिरयानी में आपको वहाँ का यहाँ का बिरयानी हैदराबादी सब बेचता है, हैदराबादी हो गया, फिर मतलब दिल्ली वाला मिलता है। कहने का मतलब है कि मेरे यहाँ तीखा उतना नहीं रहता, नॉर्मल रहता, हार्ड मसाला नहीं रहता और नहीं ज़्यादा रस वाला रहता, ग्रेवी वाला रहता। और उस समय कि ज़्यादा मसाला हार्ड मसाला होता है, मेरे यहाँ उतना हार्ड मसाला नहीं है, मेरे यहाँ नॉर्मल है। खाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो बिरयानी बस ये एक कोलकाता बिरयानी या कुछ और वैरायटी भी है? कोई वैरायटी नहीं, सिंगल टाइप का सिर्फ चिकन दम बिरयानी है, ठीक है, कलकत्ता वाली है। ओनली चिकन, मटन वगैरह कुछ नहीं? फ्यूचर में कुछ प्लान वगैरह है? अभी दुकान तो खोलने का, अभी इसका इतना जम गया कि इसका 5 ब्रांच खुला, एक खुला है बोर्डिंग रोड चौराहे के पास, ठीक है, ठीक है, जो हड़ता मतलब बोर्डिंग रोड मंदिर के पास है। और एक जगह खुलने वाला जगदेव पथ में, फिर कुर्जी में खुलेगा, फिर देखेंगे तो स्टेशन के तरफ खुलेगा धीरे धीरे, 2-3 दिन के अंदर में सब नाम यही नाम से खुलेगा, यही ब्रांच रहेगा। तो बिरयानी बाइट लोकेशन एक बार आप बता दीजिए भैया। लोकेशन जहाँ मेरा दुकान है यहाँ का लोकेशन बोर्डिंग रोड कैनाल रोड है, ठीक है, राजा पुल के कॉर्नर फेंटालूंस के पास है, फेंटालूंस के बगल में ही है। आलू दिया गया है और फिर यहाँ पे प्याज है और इसमें चिकन का भी आपको, आओ इधर, इसमें चिकन का भी आपको ये पीस दिया गया है, क्या हो गया वो फोकस कर देगा, इसमें चिकन का भी आपको पीस दिया गया और आलू दिया गया और फिर ये ऊपर से हमें प्याज दिया गया है। रायता भी दिया गया था बट हमें रायता पसंद नहीं है तो हमने वो रिटर्न कर दिया। तो इसे हम करते हैं टेस्ट। सच में काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी जरूर आए।
हेलो एवरीवन, अब हम लोग निकल रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग हैं बुद्धा कॉलोनी में, बिरयानी खा के हम लोग अब घर की तरफ भर रहे हैं। तो रिस्पांस की बात करते हैं, बिरयानी का टेस्ट काफ़ी ही बढ़िया था। 250 ग्राम में अगर क्वांटिटी की बात करें तो एक बाउल था, जैसा कि आपने देखा है पिक्चर्स और वीडियोज़ में, एक छोटा सा बाउल था जिसमें क्वान्टिटी था, और 2 पीस चिकन और एक छोटा सा आलू का पीस था। तो 45 रुपीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में और काफ़ी बेहतरीन टेस्ट और अच्छा खासा अमाउंट मिल जा रहा है।